लेकिन पापा की परी पापा की परी होती है, कितनी भी समझदार हो। हंड्रेड किलोमीटर हमारा कंप्लीट होने वाला है और भूख भी लग रही है, तो अब हमारा दूसरा काम होगा कि पहले खाना खा लेते हैं कि बहुत तेज़ भूख लग रही है। रुकते नहीं वहाँ पे, हम ऐसी जगह कहीं रुकते नहीं हैं, हम प्रॉपर कहीं बढ़िया ढाबे पे रुकते हैं। और गाइस आप अगर आप भी अभी राइड पे निकले या कहीं पे भी जाएँ फैमिली के साथ, तो अकेले हो तो जहाँ पर थोड़े ज़्यादा लोग हों वहीं पर कोशिश करें कि आप अपना स्टॉप लें, अदरवाइज़ और किसी ऐसी खाली जगह कुछ भी हो वहाँ पर स्टॉप ना लें। कितनी भी ज़्यादा नीड हो, चाहे आपको वॉशरूम जाना हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसी जगह ना रोके, क्योंकि रात के टाइम में ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। बिल्कुल भाई कह रहा है मेरा बहुत तेज भूख लग रही है। अबे मंदिर के भिखारी, तेरे को हमेशा कुछ ना कुछ खाना ही रहता है, पूरा टाइम चढ़ते रहता है। ये वाला इतना खाता है ना भाई साहब, इसका मेन मोटिव एक ही होता, आलू के पराठे। इसे 10 किलोमीटर दूर से ही खुशबू आ जाती है आलू के पराठों की। देखो अभी मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, पूरी नोटिस कराऊंगा, ये जाएगा ना ढाबे पे और जाते ही ये बंदा सबसे पहले कहेगा आलू के पराठे हैं या नहीं। इसके उंगली सीने में दबाओगे ना तो आपको उंगली शायद कमर में से पार होती हुई दिख जाएगी, इतना सेहतमंद है मेरा दोस्त। एक तो खाता बकरी की तरह, सूखता लकड़ी की तरह। ये बाबा भारती फैमिली ढाबा, चलो यहाँ अच्छा लग रहा, कुछ गाड़ियां भी खड़ी है यहाँ पे। देखो अभी मैं पूछूंगा इससे, तो देखो ये क्या बोलेगा, आलू के पराठे खाने हैं ना है ना, ये आलू के पराठे ढूंढ रहा और कुछ नहीं। गलत चला रहा है, बीच वाली लेन में मत चला भाई, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यार ये मैं कह तो नाबालिग बच्चों को मत लाया करो साथ में। ओ भाई अब हम चल रहे हैं अंदर। नमस्ते आंटी, यहाँ सराउंड बहुत गजब आ रही है, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा एकदम। अब यहाँ पे खाना खा के देखते हैं कि खाना कैसा होगा यहाँ पे। तो अब हमारे भाई ऑर्डर देने जा रहे हैं, अब इनके ऑर्डर देखिएगा आप क्या देख रहे हैं। यहाँ का फेमस पराठा भी 70 रुपए का। अरे ब्रेड पकोड़ा वकोड़ा ले ले या खाली पराठा ही खाएगा, क्या चीज है आलू का पराठा। ओ भाई लोग खाना वाना हो चुका है, तो भाई चलिए अब हम निकलते हैं आगे के। हमारे थोड़े राइडर्स चेंज हो रहे हैं, फरदीन भाई बहुत देर से बदतमीजी कर रहे थे रोड पे, तो इनको हमने ड्राइवर सीट से हटा दिया है, डिसक्वालीफाई कर दिया है। हमारा राइडर दूसरा आ गया, अहमद भाई। तो अहमद भाई चलाएंगे एमटी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, आप पैदल जाना। हाँ तो भाई हम इसका एवरेज भी चेक कर रहे हैं भाई, लंबे रूट पे निकलेंगे कि हम, और एवरेज स्पीड पे भी चला रहे हैं, तो बस कोई नहीं, पूरा खत्म होने पर जब ये धक्के पे आ जाएगी ना तब इसकी औकात पता लग जाएगी कितना एवरेज निकाला इसने। पठानी के तो माशाल्लाह क्या ही कहने, स्वीटहार्ट आई लव यू, क्या पकड़ू तेरी चोंच, गुज्जा गुज्जा से गुज्जा। अगर मैं ज्यादा दूर हो जाऊँ ना तो भाई तीन वाला हॉर्न बजा दूंगा। ये देखो इसके भी नए नए अखंड चुती यहाँ पे होते हैं भाई साहब, नींद के 2-3 झोंके आ गए बाइक चलाते चलाते। मैं सोचा कि मुझे पावर टॉनिक लेना पड़ेगा, मेरा पावर टॉनिक ले लो एक। हाँ मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, पावर टॉनिक। अरे बहन क्या क्यों हिला डाला ना, 116। ओ भाई कौन सा पेट्रोल है, अरे XP 50 ना, हायाबूसा का पेट्रोल डलवा लिया बे, बड़ा महंगा है यार प्रीमियम यहाँ तो। मोदी जी का सारा रहमो करम यहीं पे है क्या है ना, लगी ऐसी राय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ने एक छोटी सी नैप मारी है अभी, चाय पीने के लिए रुके थे, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लगभग पहुंच ही गए हैं। जाएंगे हम सीधा अपने पहले होटल लेंगे और उस पर जाके रेस्ट करेंगे, फिर दोपहर में निकलेंगे और देखते हैं कहाँ जाना है, घूम के आएंगे थोड़ा सा। हमारी बाइक मैंने पहले एवरेज निकाला था अपनी बाइक का, मैंने 180 सेगमेंट टायर लगा रखा था और एग्जॉस्ट लगा रखा था, तो मैंने अपनी बाइक का फुल टैंक कराया था, तो मेरी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 350 चली थी। लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 70-80 की स्पीड पर मैंने पूरा रास्ता निकाला, तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी बाइक 246 चल चुकी है, और क्या कहते हैं अभी मेरी बाइक में हाफ टैंक से ज़्यादा पेट्रोल है, तो यानी मेरी बाइक मैक्सिमम अगर मैं 70 की स्पीड पे चलाऊँ 500 प्लस का एवरेज दे देगी बहुत आराम से, बहुत बढ़िया एवरेज निकाल ली इस टाइम बाइक। जान
ध्यान आ गया भाई, गाड़ी के अंदर लोंडिया फुल पलट पलट के देख रही है। कैमल, और कैमल भाई कैसे हो? सब बढ़िया। पापा की परी समझदार सी लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन पापा की परी होती है, कितनी भी समझदार हो काम वो ही करेगी उल्टे। निकल जाते हैं आगे थोड़ा सा। फाइनली हमें होटल मिल गया है। तो सिंगल रूम में तो आपको 1400 रुपए लगेगा चार बंदों के लिए। अच्छा, और दो रूम में? दो रूम में 2000 रुपए। अच्छा, कोई जीएसटी टैक्स कुछ भी नहीं लग सकता, गाड़ी पार्किंग पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं होगी।